नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। चर्चा कर रहे हैं समा डेरा सच्चा सौदा के बाहर हम मौजूद हैं। इन लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं कि क्या प्रोग्राम अंदर हुए हैं, किसके तहत यहाँ इकट्ठा हुए हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है? वीर सिंह मेरा नाम है जी। वीर सिंह जी, आज डेरा के अंदर आप हम देख रहे हैं कि काफ़ी भारी तादाद में लोग आए हैं, क्या प्रोग्राम था, किस लिए आए हो? 25 जनवरी का बाबा जी का जन्म था, उसके लिए आज संगत बहुत ज़्यादा इकट्ठ हुआ था। प्रोग्राम अच्छा चला, बाबा के बाहर होने पर भी संगत बाल इकट्ठी हुई है। ठीक है जी। और संगत सारी बाबा जी की अरदास कर रही है भी वो जल्द वापस आवन, संगत नु दर्शन दे। क्या क्या अंदर प्रोग्राम हुए? अंदर प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हुए जी। ऐतकी कुछ शादियाँ हुई ने, जो हैंडीकाप्ट लोग से उन्होंने साइकिल वरताए गए दिते गए सी जी जी। जरूरत मुताबक जो कमरे लोगों गरीब जनता को भी दिते गए। ठीक है जी। जरूरतमंद बच्चों के इलाज भी करवाएंगे, आज अलाउंसमेंट ये हुई है। ठीक है जी। जी 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 जी। हाँ हाँ। कितने समय से आप डेरा के साथ जुड़े हुए? लगभग 10 साल हो गए जी डेरे से जुड़े हुए हैं। जी जी जी। असी पंजाब से आए हैं जी, जिला फिरोजपुर में गुरुवर से रहने वाले हैं। ठीक है जी। गुरु जी अंदर सत्संगों में किस धर्म की शिक्षा देते हैं, क्या अंदर पाठ पढ़ाया जाता है? पाठ जो बाबा जी के पुराने सत्संग हुए होंगे सी वही आज वीडियो कॉल में सत्संग चला रहा है। बहुत अच्छा, लोगों ने सत्संग सुना और आनंद माना। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो ये लोग किस तरह से बता रहे हैं कि आज पावन पवित्र जन्म भंडारे पर सात संगत यहाँ इकट्ठे तो हुए हैं, गुरु जी का जन्मदिन मनाया गया है। बहुत ही अंदर जो काम है, मानवता भलाई के काम किए गए हैं, अपाहिजों को हैंडीकैप लोगों को ट्राई साइकिल बांटे गए हैं, शादियाँ हुई हैं, राशन वितरित किया गया और गरीबों को मकान बनाकर दिए गए, उनको चाबियाँ वितरित की गई हैं।